टेस्ट क्रिकेट में पिछले 16 सालों में जो कारनामा नहीं हुआ था वो कर दिखाया। एसएसवी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी दोहरा शतक लगाया। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम की पूरी पारी खराब रही सिवाय एक खिलाड़ी के, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल, जिसने शानदार तरीके से दोहरा शतक लगाया। इस दौरान उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए। क्या कुछ खास रिकॉर्ड रहा वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जायसवाल की पारी की बात करें तो जायसवाल ने इस मुकाबले में 209 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 290 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उनके बल्ले से 19 चौके और 7 छक्के भी निकले। ये अपने आप में खास पारी रही क्योंकि दूसरे बल्लेबाज इस विकेट पर स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं अगर बात कर ली जाए यहाँ पर शतक के साथ जो रिकॉर्ड बनने शुरू हुए उनमें से जो सबसे पहला रिकॉर्ड था वो था सबसे कम पारी में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड। इसमें अगर आप देखें तो ये कारनामा करुण नायर ने 3 पारियों में किया है। इसके अलावा विनोद कांबली ने 4, और फिर अगर आप देखें तो फिर सुनील गावस्कर और मयंक अग्रवाल ने 8 पारियों में, और वहीं चेतेश्वर पुजारा 9, जायसवाल ने ये कारनामा 10वीं पारी में कर दिखाया। ऐसा करने वाले वो यहाँ पर छठे बल्लेबाज बन गए। वहीं सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाली ये तीसरे बल्लेबाज बने हैं। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो विनोद कांबली 21 साल 35 दिन उनकी उम्र थी जब उन्होंने पहला दोहरा शतक जड़ा था। ऐसा उन्होंने 2 बार कर रखा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 21 साल 283 दिन की जब उम्र थी सुनील गावस्कर की, तो उन्होंने 1971 में कारनामा किया था। अब यहां पर 22 साल 37 दिन उम्र है यशस्वी जायसवाल की और उन्होंने यहां पर दोहरा शतक जड़ाया। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो एक और रिकॉर्ड जो उनके नाम दर्ज हुआ, बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ से जो ये दोहरा शतक लगाया गया है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर अगर सबसे बड़ी पारी खेलने का, ये सौरभ गांगुली का जो 239 रनों की पारी 2007 में उन्होंने खेली थी। इसके अलावा विनोद कांबली 227 रनों की पारी 1993 में उन्होंने खेली थी। और इसके अलावा 224 रनों की पारी विनोद कांबली ने 1993 में ही खेली थी। इसके अलावा 206 रनों की पारी गौतम गंभीर ने 2006 में खेली थी। 2006 के बाद ये दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं यशस्वी जायसवाल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने रचा है। इसके अलावा WTC में अगर देखा जाए तो उसमें भी दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल सबसे ऊपर आते हैं। तो फिलहाल ये सारे रिकॉर्ड रहे हैं यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के लिए। बाकी आपको जायसवाल की पारी कैसी लगी और जायसवाल को आप रेट कैसे करते हैं कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।